हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्पैरो वर्ल्ड में। तो दोस्तों, आज जो है अपनी जो प्यारी गोरैया चिड़िया है उसके घोंसले पे जो है तोते के झुंड ने जो है कब्जा कर लिया है। मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। दोस्तों जैसा कि मैं सुबह जब आया तो मुझे अपने रूम के अंदर जो है बहुत सारी तोतों की आवाज़ आने लग गई। तोते के झुंड जो है पूरे जो छत पे बालकनी में यहाँ पे आ गए। जैसा कि मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि जो है इतने सारे तोते जो है चिड़िया के घोंसले पे जो है कब्जा कर रहे थे। ये देखिए दोस्तों, ये जो है कितनी मेहनत से इसने जो अपना घोंसला बनाया था, ये देखिए इसमें कैसा तिनका निकाल रहा है। ये देखिए दोस्तों, फिर मैंने बाहर आके जो है इनको सबको मैंने उड़ाए। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक घोंसले से शुरुआत की थी। मैंने पहले एक लगाया, फिर दो लगाया, उसके बाद मैंने तीन घोंसले यहाँ पे लगाए। जो आप ये जो देख रहे हो, जो जाली है मैंने यहाँ पे लगाया था। उसके बाद में यहाँ पे दोस्तों कबूतरों ने आना शुरू कर दिया। कबूतर इसके ऊपर आके बैठ जाते थे तो मैंने इन घोंसलों को जो है यहाँ से इस ऊपर शिफ्ट कर दिया और इनके ऊपर जो है मैंने थर्माकोल लगा दिया, जैसा कि आप जो है वीडियोस में देख रहे हो दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने यहाँ पे एक दो तीन, इन तीनों के ऊपर जो है मैंने थर्माकोल लगा दिया। फिर धीरे धीरे इसमें जो चिड़िया इसमें आना शुरू कर दिया और चिड़ियों ने इसमें अपना घोंसला बना लिया दोस्तों। अब दोस्तों ये हुआ कि काफ़ी दिनों बाद में जो है यहाँ पे तोते का जो झुंड है वो आना शुरू कर दिया है, जिससे चिड़िया बहुत डर रही है और जो है यहाँ से एक एक घोंसला छोड़ के जो है जा चुकी है। अभी दोस्तों सिर्फ एक ही चिड़िया का जोड़ा है, वही यहाँ पे बचा है। क्या पता कुछ दिनों बाद में ये भी यहाँ से छोड़ के चली जाए। अब बात आती है कि अपन क्या करें। दोस्तों मैं क्या एक प्राइवेट सेक्टर में जो है प्राइवेट जॉब करता हूँ, मैं सारे दिन यहाँ पर इनकी देखभाल नहीं कर सकता क्योंकि मैं पिछले तीन से चार दिन से मैं काम पर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि इनका ध्यान रख रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि तोते जो है बहुत ख़तरनाक है, वो है इनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैंने देखा था, मैं वीडियो नहीं ले पाया दोस्तों, आपको मैं दिखाता जो है चिड़िया को जो किस तरह से वो चोंच से वो भगा रहा था, इनको मार रहा था। तो दोस्तों अब अपन क्या कर सकते हैं इनके लिए। तो अपने को दोस्तों एक काम करना पड़ेगा, अपन कुछ नहीं करेंगे, इन जो घोंसलों को जो है अपन ऊपर से जो है नीचे यहाँ पर इनको यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, क्योंकि तोते जो है ज़्यादा हाइट पर ही आते हैं, क्योंकि वो मनुष्य से इंसान से बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो अपन इनको जब नीचे शिफ्ट करेंगे तो वो नीचे जो है नहीं आएंगे, क्योंकि नीचे पे लोगों का बहुत आना जाना रहता है। तो अपन एक काम करेंगे, बस इनको ऊपर से नीचे शिफ्ट करेंगे और चिड़िया जो है अपना घर आराम से ढूंढ लेगी। अपन ज़्यादा दूर शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ऊपर से जो है अपन इसको सिर्फ नीचे शिफ्ट कर रहे हैं। नीचे शिफ्ट करने का फ़ायदा ये होगा कि बड़े पक्षी नीचे नहीं आते, सिर्फ चिड़िया ही नीचे आती है। तो चलिए दोस्तों अब इन घोंसलों को है नीचे शिफ्ट करते हैं। तो दोस्तों अपन ने सारे जो घोंसले नीचे उतार लिए हैं, अब इनको अपन यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। और दोस्तों लगभग सभी घोंसलों में जो है ये देखिए घास फूस इनका इसमें है, बट शुक्र है कि इसके अंदर अंडे नहीं है दोस्तों। ये देखिए, क्योंकि हालांकि जो है चिड़िया का जो अभी ब्रीडिंग का टाइम है नहीं, तो उसमें इन्होंने अंडे नहीं दिए, तो ये सबसे अच्छी बात है दोस्तों। तो चलिए इसको जो है शिफ्ट करते हैं। तो दोस्तों ये दूसरा घोंसला है, इसके अंदर भी घास फूस है, इसमें भी जो है चिड़िया रहा करती थी दोस्तों, लेकिन तोते के जो डर से जो है सभी चिड़ियों ने अपना घर छोड़ दिया है। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर भी जो है इन्होंने घास फूस डाल रखी है। Thank you.
दोस्तों ये अपन ने जो है यहाँ पे जो है घोंसले अपन ने शिफ्ट कर दिए हैं। अभी फिलहाल मैंने इसमें चार लगाए हैं। अब देखते दोस्तों कि चिड़िया अपना घर ढूंढती है कि नहीं ढूंढती। अपन ने ज़्यादा ऊपर शिफ्ट नहीं किए हैं, जैसे ऊपर से अपन ने सिर्फ नीचे ही शिफ्ट किए हैं। अब देखते हैं कि वो अपना घोंसला ढूंढती है कि नहीं ढूंढती है, तो देखते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये जो चिड़िया इस पर आ गई दोस्तों, देखिए अभी ये देख रही है कि मेरा घर कौन सा है इसमें से। ये देखिए दोस्तों, ये इस पर देख रही है कि जो मेरा घर इसमें कौन सा है। तो दोस्तों अब चिड़िया को जो है कोई भी खतरा नहीं है, अपने जो इनके घोंसले हैं एकदम सेफ जगह शिफ्ट कर दिए हैं। अब यहाँ पे कोई भी बड़ा पक्षी जो है नहीं आएगा और जो है यहाँ पे वो आराम से जो है अपनी नेस्टिंग कर सकेंगी। अब उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों सभी जो घोंसलों में वापस चिड़िया वापस आ जाए, बस मैं यही वेट कर रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों स्पैरो कंजर्वेशन में आप भी मेरी मदद कीजिए, आप भी अपने घरों में घोंसले लगाइए। दोस्तों मैंने अपने घर में बहुत सारे घोंसले लगा रखे हैं, जैसे कि मैंने बाहर लगा रखे हैं, मैंने घर के अंदर लगा रखे हैं, और जैसा कि मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों, ये मैंने जो है बर्ड फीडर जो है यहाँ पर लगा रखे हैं। ये देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ से दाना खाती है, दाना चुगती है, फिर सीधे अपने घर में चली जाती है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप बेल आइकन दबाना दोस्तों मत भूलिएगा, ताकि आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रही दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सेव बट सेव अर्थ।